दोस्तों आप सॉकर खेलते हो? नहीं खेलते? देखते तो होंगे। खैर क्या फर्क पड़ता है, आप सॉकर खेलो ना खेलो, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपने अपनी लाइफ में एक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसे सॉकर की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। एथलीट्स दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, वो पैसे को अपनी तरफ खींच ही लाते हैं। फिर चाहे वो हमारे भारत की शान सचिन तेंदुलकर हो, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया से बेशुमार पैसा कमाया, या फिर सेरेना विलियम्स, जिसने टेनिस खेल के पैसा कमाया। लेकिन रोनाल्डो एक ऐसा एथलीट है जो पैसा कमाने के मामले में इन दोनों से भी कहीं ज्यादा आगे है। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो नाम है जो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले एथलीट और दुनिया के सबसे फेमस फुटबॉलर्स में से एक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कहाँ खर्च करते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों रोनाल्डो का जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में, जहां वो एक ही कमरे में अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। इन्हें बचपन से ही फुटबॉल खेलने का इतना शौक था कि 14 साल की उम्र में ही रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलने के लिए अपना स्कूल तक छोड़ दिया। 2019 में रोनाल्डो ने एक ही साल में 109 मिलियन डॉलर्स अपने नाम कर लिए, जो बनते हैं 817 करोड़ रुपए। रोनाल्डो ने 2018 में जुवेंटस फुटबॉल क्लब के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो रोनाल्डो को 64 मिलियन डॉलर्स सिर्फ एक ही साल में देते थे, यानी पूरे 4 सालों के 256 मिलियन डॉलर्स, जो बनते हैं 1900 करोड़ रुपए। और इतना ही नहीं, रियल मैड्रिड से जुवेंटस में आने की 117 मिलियन डॉलर्स की ट्रांसफर फीस भी रोनाल्डो को दी गई, यानी सिर्फ एक कागज पे साइन करने के 870 करोड़ रुपए। फुटबॉल से अलग रोनाल्डो हर साल 330 करोड़ रुपए सिर्फ ब्रांड एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं। रोनाल्डो का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नाइकी के साथ है, जो रोनाल्डो को उनके करियर में 1 बिलियन डॉलर कमा कर देगा, यानी पूरे 7500 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं रोनाल्डो की सेकेंडरी इनकम के बारे में। दोस्तों स्पोर्ट्स और ब्रांड एडवर्टाइजमेंट्स के अलावा रोनाल्डो के कई अलग बिजनेस भी हैं, जिसमें इन्होंने 2 होटल्स खोल रखे हैं, जिनका नाम पेस्टन CR7 है। इसके अलावा स्पेन में इंस्पायरा के नाम से रोनाल्डो की एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक भी है, और रोनाल्डो CR7 नाम की एक क्लोथिंग कंपनी भी चलाते हैं, जहां से इन्हें एक मोटी कमाई होती है। अब सवाल ये आता है कि रोनाल्डो इतना पैसा आखिर खर्च कहां करते हैं। खर्चा करने की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, रोनाल्डो विलास और प्रॉपर्टी खरीदने के दीवाने हैं। पूरी दुनिया में रोनाल्डो ने 27 मिलियन डॉलर्स यानी 202 करोड़ रुपए की सिर्फ प्रॉपर्टी ही खरीद रखी है। इन प्रॉपर्टीज में शामिल है रोनाल्डो का इटली में मौजूद डबल विला। जी हाँ, जब इनका एक विला से काम नहीं बना तो इन्होंने एक और विला खरीदकर डबल विला बना लिया। सिर्फ यही एक विला रोनाल्डो की प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है, रोनाल्डो न्यूयॉर्क सिटी में ट्रम्प टावर में भी एक अपार्टमेंट के मालिक है, जिसकी कीमत 18 मिलियन डॉलर्स यानी 135 करोड़ रुपए है। इसके अलावा रोनाल्डो स्पेन में एक वेकेशन होम के भी मालिक है, जिसकी कीमत 1.6 मिलियन डॉलर यानी 12 करोड़ रुपए है। दोस्तों दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, सबको लग्जरी गाड़ियों का शौक जरूर होता है, और रोनाल्डो भी उन्हीं शौकीनों में से एक है। इनकी कार कलेक्शन देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। रोनाल्डो के पास 19 लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन मौजूद है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इन लग्जरी गाड़ियों में 3,60,000 डॉलर्स की रॉल्स रॉयल्स फैंटम, 2,20,000 डॉलर्स की बेंटली जेपी स्पीड, 1.7 मिलियन डॉलर्स की बुगाटी वेरॉन और 8.5 मिलियन डॉलर्स की लिमिटेड एडिशन बुगाटी मौजूद है। ये गाड़ी दुनिया में सिर्फ 10 पीस ही बनाए गए थे, जिनमें से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास है। ये गाड़ी सिर्फ 2.5 सेकंड्स में 0 से 100 की स्पीड पकड़ सकती है। दोस्तों बात अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। गाड़ियों के अलावा रोनाल्डो के पास 2 प्राइवेट जेट्स भी मौजूद हैं। एक है गल्फ स्ट्रीम G200 बिजनेस जेट, जिसकी कीमत 19 मिलियन डॉलर्स यानी 145 करोड़ रुपए है। जब रोनाल्डो यहाँ नहीं रुके तो उन्होंने गल्फ स्ट्रीम G650 64 मिलियन डॉलर्स में खरीद डाला। जी हाँ, 480 करोड़ रुपए का दुनिया का सबसे बेहतरीन प्राइवेट जेट। इस प्राइवेट जेट की खास बात ये है कि इसका इंटीरियर ओनर की मर्जी के हिसाब से तैयार किया जाता है। और यही नहीं दोस्तों, रोनाल्डो अपने कपड़ों और वॉचेस पे भी खर्चा करने में बिल्कुल नहीं कतराते। इनके पास रोलेक्स की बनाई हुई सबसे महंगी वॉच भी मौजूद है, जिसका नाम है रोलेक्स GMT मास्टर आइस, और इस घड़ी की कीमत 4,85,000 डॉलर्स है। 3,60,00,000 रुपए की ये वॉच सिर्फ डायमंड्स और व्हाइट गोल्ड से तैयार की जाती है। दोस्तों अगर आपके पास इतना पैसा आ जाए तो आप उस पैसे का क्या करोगे, हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।